सुशील कुमार मोदी का ये कहा जाना कि बिहार का विधानसभा चुनाव डिजिटल सिस्टम से हो, इंटरनेट के द्वारा हो, ये कैसे उप मुख्यमंत्री हैं जो इनको ये ज्ञान नहीं है कि बिहार एक इलिटरेसी क्षेत्र में बहुत बड़ा तबका है, कि सुशील कुमार मोदी एक ऐसे बिहार के में चेहरा हैं जो एक बड़ा नाम से तो मुख्यमंत्री के दावेदार रहते हैं, लेकिन उनको उनका जो किस्मत में है जो उप मुख्यमंत्री ही बनना लिखा हुआ है। मोबाइल ऐप्स चाहे इंटरनेट से के द्वारा, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, उसके द्वारा चुनाव होनी चाहिए। कोरोना वायरस COVID-19 जो आपदा है, महामारी है, बीमारी है, संकट का दौर जो चल रहा है, इसमें सरकार बिल्कुल फेलवर रही है, और फेलवर होने के कारण सरकार की नियत और नियति में खोट है। साथियों नमस्कार, जय बिहार, जय भारत, जय युवा। दोस्तों, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं बिहार का चिंता करते हुए और आवाम का चिंता करते हुए आप लोग के बीच में आज मैं एक विशेष ये फेसबुक लाइव में आया हूँ, विशेष विषय के साथ आया हूँ। दोस्तों, आज का विषय है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है डिजिटल चुनाव हो और उसके तहत बिहार में सरकार बने। तो दोस्तों, ऐसे हालात में, ऐसे स्थिति में आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुशील कुमार मोदी एक ऐसे बिहार के में चेहरा हैं जो एक बड़ा नाम, जो भाजपा का हमेशा ही भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का दावेदार रहते हैं, ऐसे तो मुख्यमंत्री के दावेदार रहते हैं, लेकिन उनको उनका जो किस्मत में है जो उप मुख्यमंत्री ही बनना लिखा हुआ है। दोस्तों, ऐसी हालात में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बिहार के डिप्टी CM उप मुख्यमंत्री साहब सुशील कुमार मोदी ये कहने में लगे हुए हैं कि बिहार में डिजिटल सिस्टम से, यानी कि मोबाइल ऐप्स चाहे इंटरनेट से के द्वारा, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, उसके द्वारा चुनाव होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि उनको डर है, उनको खौफ है कि ऐसा ना हो कि हम जो ये अब चुनाव प्रक्रिया में जाएंगे, ये कोरोना वायरस COVID-19 जो आपदा है, महामारी है, बीमारी है, संकट का दौर जो चल रहा है, इसमें सरकार बिल्कुल फेलवर रही है, और फेलवर होने के कारण सरकार की नियत और नियति में खोट है। ऐसे हालात में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार का NDA सरकार का उप मुख्यमंत्री, भाजपा के द्वारा दिया हुआ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का ये कहा जाना कि बिहार का विधानसभा चुनाव डिजिटल सिस्टम से हो, इंटरनेट के द्वारा हो, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कैसे उप मुख्यमंत्री हैं जो इनको ये ज्ञान नहीं है कि बिहार एक इलिटरेसी क्षेत्र में बहुत बड़ा तबका है। मतलब कि यूँ कहें कि जहाँ शिक्षा का अभाव है, सभी व्यक्ति लोग इंटरनेट से लैस नहीं है, सभी लोगों को एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नहीं है, सभी के घरों में कंप्यूटर नहीं है, सभी के घरों में लैपटॉप नहीं है, तो आखिर सुशील कुमार मोदी जी किस आधार पे ये बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जो कोरोना वायरस COVID-19 के कारण इनके मन में डर और खौफ बैठा है, जो उनके दिल में जो डर और खौफ बैठा है, उस डर और खौफ के कारण वो चाहते हैं कि इलिट क्लास, यानी कि सामंतवादी विचार, जो सामंतवादी लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, और जो उनके विचारधारा से जो मैच करता है, क्योंकि ये जिसकी राजनीति करते हैं वो लोग ज़्यादातर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन करते हैं, भाजपा जिसकी राजनीति करती है वो लोग ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करते हैं, भाजपा जिसकी राजनीति करते हैं वो लोग ज़्यादातर कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर और भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में इनको डर है कि यही अच्छा मौका है कि हम जनता के बीच में, गरीब जनता, शोषित जनता, वंचित जनता, युवा बेरोजगार जो बड़ा तबका है, जो समाज को मूव कर सकता है,
ऐसे लोगों के पास वोट मांगने क्यों जाए, क्यों नहीं डिजिटल के द्वारा, डिजिटल के द्वारा हम चुनाव करा लिया जाए उसके प्रक्रिया के द्वारा। ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि बिहार के लोकतंत्र का, देश के लोकतंत्र का ये हत्या करना चाहते हैं। और सुशील कुमार मोदी जी को युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और बिहार के तमाम अपने जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के तरफ से मैं इतना दावे के साथ ठोक के कह सकता हूँ कि सुशील कुमार मोदी जी, आपकी मनमानी नहीं चलेगी और आपके सरकार के, एनडीए सरकार के, केंद्र का और बिहार का एनडीए सरकार का चेहरा जनता के सामने आ चुका है और वो लोग आने वाले समय में आपको सबक सिखाने का काम करेगा। और ऐसे स्थिति में युवा बिहार सेना डिजिटल चुनाव नहीं होने देगा, बिहार विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव डिजिटल नहीं होना चाहेगा। दोस्तों, इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा, सुशील कुमार मोदी जी क्या पता पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं, उनको सब चीज़ डेटा है भी कि नहीं है मुझे ये नहीं मालूम। सुशील कुमार मोदी जैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री जो दूसरे को अनपढ़ कहते हैं, तो कम से कम अपने तो खुद पढ़ लेना चाहिए, उनको कुछ डेटा कलेक्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको कि जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार बिहार में डिजिटल चुनाव एकदम नहीं होना चाहिए, ये युवा बिहार सेना का ऐसा मानना है। और युवा बिहार सेना डंके की चोट पे कह रहा है कि ये भारत सरकार भी सुन ले, मोदी सरकार भी सुन ले, देश के निर्वाचन आयोग भी सुन लो कि बिहार में डिजिटल चुनाव होना, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर चुनाव होता है तो ये साफ लोकतंत्र की हत्या होता है होगा। और ऐसे स्थिति में अगर लोकतंत्र की हत्या होता है तो चंद लोग का मत के आधार पे सरकार बन जाएगी। ऐसे स्थिति में ये हम युवा बिहार सेना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसका घोर विरोध करता है। सुमो जी का जो वक्तव्य आया है उसका मैं मतलब कि मुँह तोड़ जवाब देते हुए उनको घोर विरोध करता हूँ, इस चीज़ को खंडन करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत के जितने भी प्रांत हैं वहाँ पे कितने प्रतिशत कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, किस किस राज्य में, ये डेटा भारत सरकार के डेटा में बता रहा हूँ। पहला डेटा मैं बताता हूँ कि देश का राजधानी दिल्ली जो है वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 35% लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर का, कंप्यूटर का मात्र 35% लोग यूज़ करते हैं दिल्ली जैसे पढ़े लिखे हुए इलिट क्लास जो कहा जाता है, जो एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल क्लास कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, वो वहाँ पे कंप्यूटर का इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग 35% लोग हैं, कंप्यूटर यूज़ करने वाले 35% लोग हैं। दोस्तों, आपको मैं ले चर्चा हूँ फिर केरला, केरला में जो साउथ में जो सभी जगह वहाँ पे भी लिटरेसी रेट ज़्यादा है, मतलब कि साक्षरता दर ज़्यादा है, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ के लोग भी कंप्यूटर जो यूज करते हैं महज 23% यूज करते हैं, 23% 23% यूज करते हैं। तो सुशील कुमार मोदी जी, अब मैं आता हूँ बिहार के मुद्दे पे, आपको शर्म आनी चाहिए कि डिजिटल इलेक्शन की बात कह करके आप क्यों नहीं कहते हैं कि बिहार में अगर ये कोरोना रहा तो ये 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाना चाहिए, आप ये बात क्यों नहीं करते, इसकी वकालत कीजिए आप। अब मैं आता हूँ बिहार पे, यानी कि ये बता रहा हूँ कि बिहार में भारत की राजधानी दिल्ली में 23% लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और केरल में ये दिल्ली में 35% लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, और केरल में जहां साक्षरता दर ज़्यादा है वहां पे 23% लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूं बिहार पे, जो बिहार में ये लोग कहते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव कंप्यूटरीकृत इंटरनेट और ये डिजिटल पे हो जाना चाहिए, डिजिटल चुनाव की बात कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। आपको आंकड़ा करे बताने जा रहे हैं, उस चौंकाने वाली आंकड़ा है, बिहार में महज 4.6% लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, बिहार में महज 4.6% लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, बिहार में। सुशील कुमार मोदी जी,
बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय सुशील कुमार मोदी जी, कान खोल के सुन लीजिए, ये युवा बिहार सेना आपको बता रही है, डेटा नहीं है आपके पास, डेटा आप ले लीजिए तभी आप बात कीजिएगा डिजिटल बिहार विधानसभा चुनाव का। ये लीजिए, बिहार में 4.6% लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, अपने शॉप में, ये हालात है। और आप डिजिटल चुनाव की बात करते हैं साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं दूसरा आंकड़ा बताने जा रहा हूँ, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, सुमो साहब सुन लीजिए, NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये 2017-18 का ये रिपोर्ट है। मैं सुशील कुमार मोदी जी को कह रहा हूँ, बड़े सम्मानित नेता हैं, बड़े आदरणीय हैं, मैं उनको बताने जा रहा हूँ कि सुशील कुमार मोदी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय साहब, सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय साहब, कि NSSO के अनुसार 2017-18 का ये रिपोर्ट है कि सर्वे के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार डेटा जारी किया गया कि भारत में मात्र 24% लोग ही एजुकेशन पर इंटरनेट यूज़ करते हैं। महज 24% लोग एजुकेशन सिस्टम पर इंटरनेट यूज़ करते हैं, यानी कि 66% लोग इंटरनेट से लाभान्वित नहीं है, इंटरनेट का यूज़ नहीं करते हैं। और दूसरा चीज़ हम सुमो साहब को बताने जा रहे हैं, जो डिप्टी सीएम सुमो साहब है उनको बताने जा रहा हूँ, और युवा बिहार सेना बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी साहब को बताने जा रहा है कि देश में 66% लोग जो है कि ये है। दूसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, दूसरे बिंदु पे बताने जा रहा हूँ कि देश का केवल 15% लोग, देश का केवल 15% लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, घरों में सिर्फ वो लोग 15% लोग इस्तेमाल करते हैं ये कंप्यूटर, हर एक क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जो है मात्र 15% लोग इस्तेमाल करते हैं। ये डेटा मैं आपको फिर से दोहराने जा रहा हूँ, देश का केवल 15% घरों में इंटरनेट इस्तेमाल होता है, घरों में 15% लोग, और शहरी क्षेत्र में मात्र 42% हर एक तरह का कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, हर एक तरह का, शहरों में 42% लोग ये NSSO के डेटा के अनुसार बता रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार आप लोगों को, सुशील कुमार मोदी जी के लिए भी, कि NSSO के अनुसार ये सर्वे जो डेटा है 2017-18 का डेटा है, और उसके अनुसार, सर्वे के अनुसार ये बता देना चाहता हूँ कि भारत में मात्र जो एजुकेशन पे इंटरनेट यूज़ किए जाते हैं वो 24% लोग ही यूज़ करते हैं, और 66% लोग एजुकेशन के लिए इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग के पास एंड्रॉयड फ़ोन है ही नहीं, जबकि देश का 66% देश का केवल 15% घरों में इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट, देश का केवल 15% घरों में इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट, और शहरी क्षेत्र में मात्र 42% हर एक तरह का कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन, ये सब वगैरह वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो सुशील कुमार मोदी जी, आप ही बताइए कि क्या ऐसे में डिजिटल चुनाव संभव है, या ऐसे में डिजिटल चुनाव संभव है? आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप किसानी वर्ग का बात नहीं करें, किसानों की समस्या की बात नहीं करेंगे, आज जो बाहर से आपके बेटे आए हैं, आप हमारे गार्जियन हैं सुशील कुमार मोदी साहब, बिहार के आप पिता हैं, बाप कहे जाने वाले हैं, और आप लोग इस तरह से करते हैं, आपकी तो ये रही है कि जब बाढ़ आया पटना में,
तो आप अपना घर छोड़ करके और आस पड़ोस की जनता को छोड़ करके आप भाग निकले, आप कैसी राजनीति करते हैं? आपको कोई, आपको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। मुझे लगता है कि आप किसी न किसी तरह से कभी लालू का चमचागिरी करके, कभी नीतीश का चमचागिरी, मतलब एक तरह से समझिए कि मैं जो कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये मानस भाई बन जाते हैं, मानस भाई बन करके और कहीं ना कहीं अपना गोटी सेट कर लेते हैं। और भाजपा जिस तरह से है, क्या उसका भी केंद्र में भी भाजपा देश की जनता को धोखा देने का काम किया? एक भी योजना से लाभान्वित लोग नहीं हो पा रहे। हो सकता है कि कुछ भी योजना से लोग लाभान्वित हुए, लेकिन मेन जो समस्या है बेरोजगारी का, उस पर भाजपा का बैकफुट पे रहा है। दोस्तों, एक नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी मुक्त बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी मुक्त बिहार बनाने के लिए, उद्योग युक्त बिहार बनाने के लिए, बिहार में कुटीर उद्योग लागू करने के लिए, युवाओं के हर एक हाथ को रोजगार देने के लिए और हर एक बेटा को, हर एक घर को रोटी देने के लिए युवा बिहार सेना तत्पर है। और वो इसकी संघर्ष करेगा और जो भी अगर गलत तरीके से बात कहेगा, क्योंकि गांव में जो रहने वाले लोग 66% लोग हैं, 70% लोग हैं, उन लोग के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो लोग के पास ये नहीं है। आपको अगर मान लिया कि समय पे ही आपको बिहार विधानसभा चुनाव कराना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो आपके देश के प्रधानमंत्री महोदय, सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब ने कहा कि आत्मनिर्भरता और सोशल डिस्टेंसिंग, जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात आपने कह दी है तो सोशल डिस्टेंसिंग को आप पालन कीजिए ना साहब। बिहार विधानसभा का चुनाव सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कराइए। ये हमारी मांग है कि दो दिन लगे, जैसे एक दिन में आप चुनाव समस्या का, चुनाव का समाप्ति करवा देते हैं, तो इसमें दो दिन लगेगा एक बूथ पे, तो दो दिन कराइए। जब देश चुनावी माहौल का ही देश है, आप लोग उसी तंत्र से आप चाहते हैं, तो वैसा ही कराइए। आप न युवाओं के रोज़गार की बात करेंगे, आप न यहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य की बात करेंगे, न आप यहाँ पे लिटरेसी की, मतलब कि इलिटरेट लोगों को, जो अशिक्षित व्यक्ति, उन लोगों की बात करें कि उनको शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से मिले, कैसे मिले। आप बिहार को देश के सबसे नीचे वाले पदान पे रैंकिंग में छोड़ रहे हैं। आप बिहार को गर्त में, आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भारत सोने का चिड़िया था, जब भारत तभी सोने का चिड़िया था जब बिहार सोने का चिड़िया था, जब भारत तभी सोने का चिड़िया था जब बिहार सोने का चिड़िया था, और फिर से जब बिहार सोने का चिड़िया बनेगा तब भारतवर्ष भी सोने का चिड़िया बनेगा। ये मेरा युवा बिहार सेना का ये नारा है, ये कहना है। तो दोस्तों, बिहार के नौजवानों, साथियों, तुम्हारा वोट तुम्हारा अधिकार, और बिहार की अस्मिता पे कोई अगर बात करेगा, बिहार के लिए अगर कोई उल्टा पुल्टा कहेगा, अगर दीर्घभ्रमित करने का बात कहेगा, तो युवा बिहार सेना किसी को बकसने नहीं जा रहा है। और बिहार की अस्मिता, बिहार के मान सम्मान, बिहार के बेटाओं पे कोई आँच आएगा तो सबसे पहले युवा बिहार सेना का झंडा डंडा दिखेगा। आज आपको पता होगा कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रवासी मजदूरों का, प्रवासी बिहारियों का, श्रमिक मजदूरों का, गरीब मजदूरों का, किसान वर्ग का समस्या के, आज किसान लोग इतना ही माम है, वो उन लोग की बात करने के कोई तैयार नहीं है। और आपको बता दें कि हमारे पास बहुत सारे वीडियो मैसेज बहुत सारे हमारे पास आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँ कि हमारे पास बहुत से मैसेज वीडियोज आ रहे हैं, उसमें ये देख रहे हैं कि मुखिया अपना मनमानी कर रहा है, उधर वीडियो सीओ अपने तरीके से मनमानी कर रहे हैं, तो ये सारे चीज़ें कैसी सरकार है? मतलब कि यूं कहें कि ये लोग सरकार चला रहे हैं या मजाक कर रहे हैं साहब? ये लोग सिर्फ जो बिजनेसमैन को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में फॉरेस्ट कम खड़ा हो रहा है, लेकिन सीमेंटेड फॉरेस्ट, सीमेंटेड नुमा पेड़ ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, मतलब बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, सड़क, रोड, क्या यही डेवलपमेंट है? भैया, अगर डेवलपमेंट आपको नहीं मालूम है बिहार के
उप मुख्यमंत्री साहब, सुमो साहब, तो डेवलपमेंट की परिभाषा सुन लीजिए कि डेवलपमेंट जब हर आपके बिहार के हर एक बेटा, हर एक वर्ग, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक युवा के हाथ में रोजगार होगा, हर एक बेटियों के, महिलाओं के हाथ में रोजगार होगा, आपका हर एक बेटा बेटी लोग पढ़ के अक्षर होगा, तो उसको कहते हैं विकास, उसको कहते हैं उन्नति प्रगति। और सुमो साहब, बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय, आपके राज्य में दूसरे बाहर के, दूसरे के राज्य के, विदेश के लोग रोजगार करने आए, उसको विकास कहते हैं। ये नहीं कि बिहार गर्त में जा रहा है और अपने सात पीढ़ी का जुगाड़ करने में लगे हैं, जनता से कोई सारोकार नहीं, और सिर्फ ये सुशील कुमार मोदी जी, आप डिजिटल चुनाव की सपना तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो डिजिटल आप बात भी करना असंभव है गांव में कार्यकर्ताओं से, तो इसलिए डिजिटल चुनाव की बात जो हमने साथियों आंकड़े दिए हैं, आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। युवा बिहार सेना ये हमेशा सरकार के नीतियों का विरोध करता रहेगा, इसमें कहीं पीछे नहीं, और सुशील कुमार मोदी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि कहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है डिजिटल चुनाव के अनुसार होगा, तो उनको आंकड़े नहीं मालूम है, पहले वो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करें, उनके पास डेटा नहीं है, सरकारी में बैठे लोग, ऑफिसर शाही अगर उनको डेटा नहीं दे सकता तो वो हमसे आकर के डेटा लें, और कम से कम उद्योग धंधा की बात करें, उद्योग अभी आप स्किल मतलब स्किल स्कैनिंग करा रहे हैं, जो लोग बाहर से लोग गरीब श्रमिक मजदूर लोग आए हैं उन लोग को स्किल स्कैनिंग करवाने में आप लगे हुए हैं, और ये लेकिन उन लोग को रोजगार देने के लिए कोई रोड मैप श्वेत पत्र जारी नहीं किया, वो भी कीजिए। आपको बता दें कि आज बेचारे शिक्षक बेहाल हैं, आज बिहार के जो ये 11,000 जो चौकीदार हैं वो बेचारे लोग ये त्राहिमाम हैं, इस सरकार में सारे लोग दुखी हैं, ऐसा स्थिति, भयावह स्थिति आ चुका है। तो सुशील कुमार मोदी जी, सरकार अगर आपको बचाना है तो आप इन समस्याओं को सुने, गंभीरता से देखें, विचारें, क्योंकि बिहार का जो चौकीदार संघ से हमारी संवाद हुई, अब वो लोग बेचारे जो अपने दुखड़ा सुनाया वो रहा नहीं गया। मुझे नियोजित शिक्षक, बिहार के नियोजित शिक्षक वर्गों के संघ से बात हुआ और शिक्षक गणों से बात हुआ, वो लोग बेचारे अपने दुखड़ा सुनाया, वो उनकी दर्द को सुनकर के मुझे रहा नहीं गया, और शिक्षक वर्ग बहुत लोग बेचारे आत्महत्या कर गए, बिहार के चौकीदार वर्ग जो है, जो चौकीदार हैं वो सरकारी सामान का रख रखाव, गाँव का देखभाल करते हैं, वो लोग बेचारे को ये सरकार के गलत नियति के कारण, गलत डिसीजन के कारण, करीब उसमें से 11,000 लोग थे, लगभग 4,500-5,000 लोग तो मर चुके बेचारे लोग, तो उन लोग की भी समस्या के सुनिए, जो बाहर से युवा गरीब बेरोजगार लोग आए उनके भी डिजिटल चुनाव तो होता रहेगा, आप वकालत कीजिए ना, बिहार में प्रेसिडेंट लागू होना चाहिए। युवा बिहार सेना कहता है कि अगर COVID-19 कोरोना वायरस अगर एक भी आदमी संक्रमित हो तो बिहार में चुनाव ना हो और प्रेसिडेंट लागू किया जाना चाहिए। बिहार में अगर एक भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति हो तो वहाँ पे प्रेसिडेंट लागू कर दिया जाना चाहिए, अगर समय से चुनाव हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये कह करके कि डिजिटल चुनाव होगा, तो डिजिटल वोटिंग करने वाले कौन हैं? वो आपके लोग हैं, आपके पढ़े लिखे हुए इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं, आपके पढ़े लिखे हुए बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आपके पढ़े लिखे हुए जो बड़े बड़े एंड्रॉयड लेकर के शॉपिंग मॉल में घूमते हैं, वो लोग हैं आपके वोटर, तो आप उस वोट से आप सरकार बना लेंगे। लेकिन बिहार में जो 66% लोग जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, जो साधारण फ़ोन यूज करते हैं, जो ये इंटरनेट यूज नहीं करते हैं, वैसे व्यक्ति लोग वोट कैसे करेंगे? तो आप, मेरा विचार है कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए उसी सिस्टम से जो पुराने ढर्रे पे चुनाव होता उसी तरह से चुनाव कराइए EVM के द्वारा, कौन मना किया? लेकिन आप ये गलत तरीके से चुनाव की वकालत करना
मुझे लगता है कि आपकी मंशा सही नहीं है और लोकतंत्र की साफ हत्या करना चाहते हैं, गरीबों के बीच में आप जाना नहीं चाहते हैं और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी गरीबों के बीच में नहीं जाना चाहते। अब मुंह दिखाने के लायक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब नहीं रहे और ना ही बिहार के एनडीए सरकार रही, क्योंकि आप लोगों को डर लगता है कि अब वो पुरानी बात लोग पूछेंगे कि दो दो लाख अति दो दो करोड़ नौकरी कहाँ है, 15-15 लाख रुपए खाते में अभी तक आए क्यों नहीं, और ये जो बिहार में जो तमाशा है आपको कोरोना टाइम में जो आप रख रहे हैं लोगों को, वहाँ पे खाने को नहीं मिल पा रहा है और न पीने को मिल पा रहा है। हमारे संसदीय क्षेत्र से कुछ वॉइस रिकॉर्ड आया है, उस वॉइस रिकॉर्ड में ये दिखाया जा रहा है कि मुखिया बेचारा खाने को मांग रहा है और उसको खाना के जगह पे गाली दे रहे हैं। ये सब चीज़ें ये बड़ा आश्चर्य लगता है। तो ये सारे सिस्टम तंत्र यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सरकार नेता लोग को ये सरकारी तंत्र मतलब कि यूँ कहें कि लाल फीताशाही लोग जरा भी नहीं सुनते हैं और वो अपनी मनमानी करते हैं। ऐसे स्थिति में इन लोग की जो हालात है जो स्थिति है तो सरकार वो राम भरोसे है, राम है कि नहीं है ये नहीं मालूम लेकिन राम भरोसे है, तो राम भरोसे वाली सरकार की जरूरत नहीं है। युवा बिहार सेना और बिहार के युवा बिहार के नौजवान बेटा ये कहता है कि हम एक नया नेतृत्व नया बिहार के साथ चलेंगे और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और बदलने का काम करेंगे। दोस्तों ऐसा सरकार नहीं चाहिए हमको कि जो हर एक युवाओं को रोजगार न दे सके, हर एक हाथ को रोजगार न सके दे सके, हर एक घर को रोटी न दे सके, हर एक बहन बेटियों को सम्मान न दे सके, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था न दे सके, एजुकेशन हब न दे सके, वैसे लोगों को हम क्यों सत्ता में लाएं। तो ऐसी स्थिति में आपको गंभीरता से सोचना होगा, चिंतन मंथन करना होगा, ये आप लोग के लिए विचारणीय है। अब आज के लिए इतना ही, मैं आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। जय युवा बिहार, जय बिहार की युवा बेटा लोग, और जय युवा, जय बिहार, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।